नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जतिन मित्तल अभिवृत एस्थेटिक्स पांडव नगर क्लिनिक में मैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी के बारे में, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीआरपी थेरेपी भी बोलते हैं। पीआरपी थेरेपी इस बॉडी के अलग अलग पार्ट में हम अलग अलग बेनिफिट्स के लिए यूज़ करते हैं। स्किन में बेसिकली जो पीआरपी यूज़ करते हैं वो करते हैं बालों की रीग्रोथ के लिए, प्लस आपकी स्किन में जैसे अगर एक्ने के स्कार्स हैं उनको ट्रीट करने के लिए, नेचुरल ग्लो को एनहांस करने के लिए हम पीआरपी थेरेपी यूज़ करते हैं। बेसिकली ये पीआरपी थेरेपी है क्या? आपके ब्लड से प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उस प्लाज्मा को आपकी स्किन में इन्फ्यूज़ किया जाता है, जो कि बेसिकली आपकी स्किन में नेचुरल ग्रोथ को बढ़ाती है, चाहे वो बालों की ग्रोथ हो या कोलेजन की ग्रोथ हो। यहाँ अगर हम बात करें बालों की पीआरपी थेरेपी के बारे में, तो बालों की पीआरपी थेरेपी का प्रोसेस ये रहता है कि पहले हम आपके ब्लड को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ब्लड को एक्सट्रैक्ट करके उसको सेंट्रीफ्यूज करके उससे प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट करते हैं। वो प्लाज्मा थ्रू नीडल्स आपके स्कैल्प में इन्फ्यूज़ किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। ये प्लाज्मा स्कैल्प में जाने के बाद आपके बालों की जड़ों को ग्रोथ करने में मदद करता है, और जिसकी वजह से जो आपके झड़ते हुए बाल हैं वो रुक जाते हैं, और वो बाल, वो जड़ें जो ख़त्म होने की कगार पे हैं, जो बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी हैं, वो दोबारा रिवाइव करती है, क्योंकि इस प्लाज्मा के अंदर नेचुरल रीग्रोथ की टेंडेंसी होती है। यही प्लाज्मा जब आपके चेहरे पे इंजेक्ट किया जाता है, तो ये क्योंकि मल्टीपल वहाँ पे इंजरीज हम क्रिएट करते हैं थ्रू डर्मा रोलर या डर्मा पेन या निडल, तो जिसकी वजह से वहाँ पे उन इंजरीज को हील करने के लिए बॉडी जो है कोलेजन का प्रोडक्शन करती है, प्लस जो प्लाज्मा के अंदर कोलेजन प्रोडक्शन की टेंडेंसी है वो आपकी स्किन में एक अच्छा ग्लो जो है देने में मदद करती है। एक्ने स्कार्स में भी जब स्किन उन सुपरफिशियल इंजरीज को हील करने की कोशिश करती है, जो आपके पुराने स्कार्स हैं वो भी साथ साथ हील होने लगते हैं, क्योंकि इसमें जितना भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो सब नेचुरली ब्लड से एक्सट्रैक्ट की हुई हैं, तो ये कम्प्लीटली सेफ और सिक्योर प्रोसेस है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। नेचुरली नॉर्मली जो इसका ड्यूरेशन है वो हर महीने में एक बार करने का हम लोगों को सजेस्ट करते हैं, और 6 से 7 सेशन लगभग इसमें लगते हैं आपको एक अच्छा और शानदार इफ़ेक्ट देने के लिए। कुछ लोगों का सवाल इसमें रहता है कि क्या ये पेनफुल प्रोसेस है? देखिए, वैसे तो ये बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस नहीं है, लेकिन जो पेन सेंसिटिव पेशेंट्स होते हैं उनको हम पहले से ही नमिंग क्रीम का इस्तेमाल करते हैं चेहरे पे, और कुछ डॉक्टर्स बेसिकली इसके अंदर प्लाज्मा को इंजेक्ट करते दौरान भी लोकल एनेस्थीशिया का इस्तेमाल करते हैं। मैं अपनी प्रैक्टिस में लोकल एनेस्थीशिया अवॉइड करता हूँ, क्योंकि कुछ स्टडीज़ के अकॉर्डिंग जो लोकल एनेस्थीशिया है वो प्लाज्मा की क्वालिटी को डिक्रीज़ करता है, इसलिए इन्फ्यूज़ करने में तो मैं कभी लोकल एनेस्थीशिया यूज़ नहीं करता। लेकिन हाँ, टॉपिकल क्रीम का एप्लीकेशन मैं ज़रूर पेशेंट्स को एडवाइज़ करता हूँ, ताकि वो जो उनका पेन सेंसेशन है उसको कम कर सके।